I am Sunita from STS Vidyapeeth. Welcome to STS Vidyapeeth online classes. So students, आज आपके नर्सरी की क्लास में और इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम बनाना सीखेंगे स्मॉल लेटर्स जो कि है डी के और ई के. ठीक है, राइट दिस स्मॉल लेटर्स ऑफ डी एंड ई. हमने कैपिटल लेटर्स कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम ए टू जेड और हमने ए से लेकर सी तक के स्मॉल लेटर्स को बनाना भी सीख लिया है जिनकी वीडियोस मैंने ग्रुप में डाल दी, आप उन्हें जरूर देखें. और आज हम सीखेंगे अल्फाबेट लेटर डी और ई के स्मॉल लेटर्स बनाना. तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और इसे बनाना सीखिए. यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर फोर लाइन्स के कॉलम बनाए हैं जिससे आपको ये आसानी से समझ आए कि हम उन लेटर्स को कितने लाइन में बनाए और कैसे बनाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं डी फॉर क्या होता है. डी फॉर होता है डॉग. डी फॉर डॉग, ओके, डी ओ जी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता. नेक्स्ट ई, इसे आप इजीली क्या बोल सकते हैं, ई फॉर एग. व्हाट, ई फॉर एग, ई डबल जी एग, एग मीन्स अंडा. ओके, तो चलिए अब हम इसे बनाना सीखते हैं. डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता. तो अब हम इसका चलते हैं स्मॉल लेटर्स बनाना सीखते हैं. ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखिए ये जो फोर लाइन्स होती हैं आपकी नोटबुक में, ये फर्स्ट और फोर्थ वाली लाइन जो होती है वो रेड कलर की होती है और ये सेकेंड और थर्ड वाली लाइन ब्लैक कलर की होती है, जिससे आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप लेटर्स को कैसे उनमें राइट करेंगे. ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और ठीक वैसे ही अपने नोटबुक में भी इसे प्रैक्टिस करिए जिससे आपको ये समझ आए कि यहाँ पर जैसे आपको बताया जा रहा है आप ठीक वैसे ही उसे राइट करेंगे. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डी का स्मॉल लेटर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है फर्स्ट टू थर्ड लाइन तक. ओके, जो कि बहुत इजी है. फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम लेफ्ट साइड यानी अपने लेफ्ट साइड क्या करेंगे, सेकेंड लाइन से एक हाफ सर्कल बनाते हुए इसे नीचे ज्वाइंट कर देंगे. ओके, यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे. ठीक है, और ये बन जाएगा आपका स्मॉल लेटर डी. तो देखा आपने स्टूडेंट्स, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया ना. अब हम एक बार और इसे प्रैक्टिस करते हैं. देखिए, फर्स्ट टू थर्ड लाइन तक हमने एक स्टैंडिंग लाइन बना ली. अब हम इस तरफ से उसे देख रहे हैं ना, तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगा. तो अपने लेफ्ट साइड यानी इस तरफ हमें क्या करना है, एक हाफ सर्कल बनाना है ऐसे. ठीक है, ये आपने बना लिया हाफ सर्कल और नीचे उसे ज्वाइंट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका स्मॉल लेटर डी. जितना आपको कैपिटल लेटर में बनाने के लिए उसमें वर्क करना पड़ता है, उससे बहुत कम आपको वर्क स्मॉल लेटर बनाने में करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत कम यानी इनका नाम ही है स्मॉल लेटर्स यानी छोटे लेटर, तो इनको बनाने में भी आपको कम समय और कम उसमें काम करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है बच्चों, तो ये है डी का स्मॉल लेटर. अब हम बनाते हैं ई का स्मॉल लेटर. हमें ई का स्मॉल लेटर बनाने के लिए यहाँ सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है, जिसके लिए सबसे पहले हमें करना है एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन आपको ऐसे बनानी है सेंटर ऑफ कॉलम यहाँ पर. फिर यहाँ से इस पार्ट से हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाते हुए जाएंगे ऐसे और इसे पूरा ना करते हुए इसे यहाँ पर एंड कर देंगे. देखा आपने, यह हो गया आपका स्मॉल लेटर ई कंप्लीट. ओके, अब हम एक बार और बनाते हैं. ये देखिए, ये हमने स्लीपिंग लाइन बना ली ना. अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से इसे सर्कल बनाते हुए जा रहे हैं और इसे पूरा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका स्मॉल लेटर ई अगेन. ओके, तो देखा आपने इन दोनों के स्मॉल लेटर्स हमने आज बनाने सीख लिए हैं, जो कि बहुत इजी है. डी का स्मॉल लेटर और ई का स्मॉल लेटर. डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता. ई फॉर एलिफेंट, सॉरी ई फॉर एग, एग फॉर अंडा. आप एलिफेंट भी बोल सकते हैं, पर एलिफेंट आपको लिखने के लिए बहुत ही लॉन्ग पड़ेगा, जिससे आप ई फॉर एग भी आसानी से बोल सकते हैं.
इक्वल एग मींस अंडा, ओके। तो आप लोग इन दोनों के लेटर्स को जरूर प्रैक्टिस करिए, अपने घर पर अपने नोटबुक्स में बनाना जरूर सीखिए। थैंक यू।